मुरादाबाद के थाना छजलाय क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्षेत्रामपुर में हुई गौकशी की घटना के आरोप में जेल भेज दिया गया और इस पूरी घटना में बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी शामिल रहे। इस घटना को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जनपद मुरादाबाद के अनेक स्थानों पर प्रदर्शन किया और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया। छजलाय की घटना को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और कांट तहसील पहुंचकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि गौकशी की घटना में जो बजरंग दल के पदाधिकारियों को जेल भेजा गया है वो पूरी तरह से गलत है और पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है, जिसे हम विरोध करते हैं। हमारी ये मांग है कि हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई तुरंत वापस ली जाए, अन्यथा बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। यह हमारे संगठन को बर्बाद करने की साजिश है। भारी संख्या में बजरंग दल के पदाधिकारियों को देखकर पुलिस प्रशासन द्वारा भारी फोर्स की तैनाती की गई है और 30 तारीख को उसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन उठाकर रात भर पिटाई की उस कार्यकर्ता की। पुलिस ये सोच रही कि आप कृत्य करोगे पता नहीं लगेगा, वो कार्यकर्ता बंद रहेगा। पुलिस ने उसको एनकाउंटर तक की धमकी दी, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है। अगले दिन उसके 161 के बयान लेकर उसको जेल भेज दिया। इसके अलावा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। जो गोहत्यारे हैं, जो गो हत्याएं करते हैं, उनको पुलिस पकड़ नहीं रही है। क्या उनसे सेटिंग है, क्या गेटिंग है, ये जाने पुलिस। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष जेल भेजा है। संगठन किसी भी स्थिति में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं, आपने क्या, किस लिए आए हैं आप तहसील परिसर में? हमारे जो कार्यकर्ता इन्होंने जबरदस्ती जेल भेजा है उसकी रिहाई के लिए, और जो पुलिस प्रशासन के लोग जिन्होंने कृत्य किया उन पर कार्रवाई के लिए। इस प्रदर्शन में बजरंग दल के अलावा और भी कोई संगठन शामिल है? हमारा हिंदू, जो हमारा विश्व हिंदू परिषद संगठन है, उसी के द्वारा किया गया और जिले के चारों तहसीलों पर आज है। और नहीं जल्दी ये चेते तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन और कार्य होंगे। शांतिपूर्वक संगठन इस काम को आगे बढ़ाएगा। अभी किन किन जगह यह प्रदर्शन आज किया जा रहा है? आज जो मुरादाबाद जिले की चारों तहसील है उन चारों पर यह किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या मांगे मुख्य हैं आपकी? इसके अलावा जो अधिकारी आय से अधिक संपत्ति की जाँच उनकी हो, जो लोग सेटिंग एटिंग से खेल कर रहे हैं, किस प्रकार से रुपए कमा रहे हैं, उनकी जांच हो, उन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो और हमारा जो कार्यकर्ता उसको तुरंत